मैं हम्पी बोल रहा हूं। मैं कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मुझे गर्व है कि मैं उस महान साम्राज्य की राजधानी रहा हूं जिसका बखान खुद मुस्लिम आक्रमणकारी बाबर ने अपनी आत्मकथा में करते हुए भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य बताया था। मैं इतिहास का दबाव साम्राज्य हूं जिस पर एक समय 300 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वही शहर हूं जिसका रामायण में किष्किंधा नाम से वर्णन है। मैं वही हम्पी हूं जहां के प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय व उनके दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक तेनालीरामा के चतुर बुद्धि के किस्से आपने बचपन में कई बार सुने होंगे। मेरे यहाँ कभी भगवान राम ने माता शबरी के हाथों झूठे बेर खाए थे। मैं उसी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हूं जो कभी ईरान जर्मनी जैसे देशों से भी शक्तिशाली और संपन्न था। मेरे यहाँ खोले में हीरों का बाजार सस्ता था। विदेशों से लोग हीरे खरीदने के लिए मेरे यहाँ आते थे। भारत सोने की चिड़िया था। इसका असली जीता जागता नमूना यहाँ देखा जा सकता था। मैं वही हम्पी हूं जिसके एक मंदिर में स्थित रथ का फोटो आपकी जेब में रखे 50 रुपए के नोट पर देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना विशाल और समृद्ध शहर अचानक से कहां और कैसे गायब हो गया। मैं कहीं गायब नहीं हुआ। मेरे टूटे हुए अंग आज भी खिन्न भिन्न अवस्था में इधर उधर बिखरे पड़े हैं जिनको सदियों से एक एक करके संभाला जा रहा है। और मुझे इस तरह से खिन्न भिन्न करने का श्रेय मुस्लिम आक्रांताओं को जाता है। मेरा बढ़ता हुआ ऐश्वर्य और समृद्धि उनसे देखी नहीं गई और एक साथ 4 मुस्लिम आक्रांता मुझ पर टूट पड़े। इन आक्रांताओं ने तहस नहस करके रख दिया मुझे। मेरे हंसते खेलते परिवार को जमीन में धसा दिया। मेरे राजा की उदारता ही उन पर भारी पड़ी और एक धोखे के चलते मेरी आंख के सामने मुझे तहस नहस करके रख दिया गया। ये इतिहास का सबसे क्रूर हमला था और यह सब क्यों किया गया इसके बारे में मैं आपको मेरे इतिहास के साथ बताऊंगा। और कैसे समय के साथ साथ आज आप लोगों में मेरे बारे में जानने की इच्छाएं कम हो रही हैं। एक समय संपूर्ण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश विजयनगर की मैं राजधानी के साथ साथ मध्यकाल की सबसे प्रबल अर्थव्यवस्था रहा। मैं अचानक आप सभी से लगभग दूर सा होकर क्यों रह गया हूं? कैसे मेरे इतने सुंदर ऐतिहासिक परिदृश्य को कुछ बाहरी नीच आक्रमणकारियों की गंदी नजर ने लगभग बर्बाद करके रख दिया। आइए आज मैं स्वयं मेरे उतार चढ़ाव भरा इतिहास आपको बतलाता हूं। मेरा इतिहास प्रथम शताब्दी से प्रारंभ होता है। उस समय मेरे आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। सम्राट अशोक के माइनर रॉक शिलालेख नुत्तूर और उड़ेगोलन के अनुसार मेरा साम्राज्य 3री शताब्दी के दौरान अशोक साम्राज्य का ही भाग था। बाद में मैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। विजयनगर हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने यहाँ 1509 से 1529 के बीच मेरे यहाँ शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मेरे यहाँ अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। मेरे यहाँ 4 पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। मेरे साम्राज्य के विशाल सेना दूसरे राज्यों से मेरी रक्षा करती थी। मेरे यहाँ की सेना दक्षिण की अजय सेना मानी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। उस समय विजयनगर में तकरीबन 5 लाख लोग रहते थे, लेकिन कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद मेरे संपन्न और विस्तृत साम्राज्य पर बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार के मुस्लिम आक्रांताओं की नजर लग गई और 1565 में मुस्लिम सेनाओं ने मुझे बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया। यह आक्रमण इतना विध्वंसकारी था कि सब तरफ लाशों के ढेर लगा दिए गए। मेरी असमत को बुरी तरीके से लूटा गया। मुस्लिम भेड़ियों ने यहां भयंकर लूटपाट और कत्लेआम किया। मेरे यहाँ के लोगों को उनके द्वारा नोचा गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था जिसने मुझे एक खंडहर और लाशों के ढेर में बदलकर रख दिया। यह हमला उसी तरह का था जो दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। सेनापति राय ने इस संयुक्त मुस्लिम आक्रमण में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया। यह युद्ध तालीकोट में हुआ था। घमासान युद्ध के दौरान मेरी सेना जीतने ही वाली थी कि मेरे यहाँ के ही एक मुस्लिम कमांडर अपने अपने सैनिक जत्थे लेकर हमलावर सेना के साथ जा मिले। इससे युद्ध का नजारा ही बदल गया।
सेनापति आलिया राय कुछ सोच पाते उससे पूर्व ही उन्हें पकड़ लिया गया। आलिया राय को पकड़कर तत्काल मार दिया गया। सदाशिव जानता था कि जीत हमारी सेना की होनी है, लेकिन जब उसको विजयनगर की सेना की हार की खबर मिली तो वह जितना संभव हुआ उतनी धन संपत्ति समेटकर मेरे नगर से पलायन कर गया। आलिया राय के मारे जाते ही विजयनगर की सेना तितर बितर हो गई। मुस्लिम सेना ने विजयनगर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वैभव कला तथा विद्वता की इस ऐतिहासिक नगरी में लूट हत्या और ध्वंस का जो तांडव शुरू हुआ उससे नादिर शाह की दिल्ली लूट और कतलेआम से ही तुलना की जा सकती है। हत्या बलात्कार तथा विध्वंस का ऐसा नग्न नृत्य किया गया कि इसके निशान आज भी मेरे यहाँ देखे जा सकते हैं। बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर की सेना करीब 5 महीने उस नगरी में रही। इस अवधि में उसने इस वैभवशाली नगर की ईंट सींट बजा दी। ग्रंथागारों और शिक्षा केंद्रों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों पर लगातार हथौड़े बरसते रहे। हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य था विजयनगर का विध्वंस और उसकी लूट। शायद साम्राज्य हथियाना उनका प्रथम लक्ष्य नहीं था। मेरे यहाँ की सेना उस समय दक्षिण की अजय सेना थी, लेकिन भारतीय हिंदू राजाओं की उदारता अक्सर उनके लिए घातक बन जाती है। तालिकोट के युद्ध में भी यही हुआ। 25 दिसंबर 1564 विजयनगर के पतन की तिथि बन गई। सदाशिव राय का शाही परिवार तब तक पेनकोंडा यानी वर्तमान अनंतपुर जिले में स्थित पहुंच गया था। पेनुकोंडा को उसने अपनी नई राजधानी बनाया, लेकिन वहां भी नवाबों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। बाद में वहां से हटकर चंद्रगिरी जो चित्तौर जिले में है उसे राजधानी बनाया। वहां शायद किसी ने उनका पीछा नहीं किया। मेरा साम्राज्य करीब 80 वर्ष और चला। गद्दारों के कारण मेरा साम्राज्य 1646 में पूरी तरह इतिहास के काल चक्र में दफन हो गया। कर्नाटक राज्य की स्थिति में रामायण काल में पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। मेरी हम्पी नाम हम्पा देवी के मंदिर के कारण पड़ा। हम्पा देवी मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत विवरण लांगहस्त ने अपनी पुस्तक हम्पी रुइंस में दिया है। विजयनगर शहर भी ऋषि विद्यारण्य के सम्मान में विद्यानगर के रूप में ही जाना जाता है। इस जगह के स्मारकों को 1336 से 1570 के बीच बनाया गया था। इस अवधि में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंदू धर्मकला, वास्तुकला आदि का पुनरुत्थान देखा गया। मेरे साथ एक पौराणिक एसोसिएशन भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों और लोक कथाओं के अनुसार मेरे क्षेत्र को रामायण में पौराणिक किष्किंधा वानर राज्य कहा जाता है। ये वह जगह है जहां राम और लक्ष्मण ने सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाने से पहले शरण ली थी। आज के पहाड़ों और कई स्थानों पर सुग्रीव, बाली, हनुमान और राम के रुकने की कहानियां हैं। मैं अपने खंडहरों की सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी मेरे शहर में बहती है तथा इन खंडहरों के पास एक विस्मयादक प्राकृतिक वातावरण को प्रदान करती है। आसपास के पहाड़ों के प्राकृतिक पत्थर इन विशाल शिलाखंडों के स्रोत हैं, जिनका इस्तेमाल विजयनगर के राजाओं द्वारा मेरे मंदिरों के प्रभावशाली पत्थरों के नक्काशीदार खंभों के लिए किया गया था। मंदिरों और प्राकृतिक दृश्यों के अलावा यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए कई पानी के ताल और अन्य सार्वजनिक भवन भी हैं, जो विजयनगर के राजाओं के नगर नियोजन कौशल को दर्शाते हैं। मेरे यहाँ के जल सेतु और नहरें 13वीं से 15वीं सदी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक बड़ी झलक दिखलाते हैं। मेरे यहाँ मंदिरों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। विट्ठल स्वामी का मंदिर। मेरे यहाँ विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है। यह विजयनगर के ऐश्वर्य तथा काल वैभव के चरमोत्कर्ष का घोतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि देखते ही बनता है। मंदिर का भीतरी भाग 55 फुट लंबा है और इसके मध्य में ऊंची वेदिका बनी है। विट्ठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर से कटा हुआ है। मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी की हुई है। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापटी मंदिर भी कहा जाता है। यह हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। मेरे कई आकर्षणों में से यह मुख्य है। 1500 में अपने अभिषेक के समय कृष्ण देवराय ने गौपुरा का निर्माण करवाया था। भगवान विठाला या भगवान विष्णु का यह मंदिर समर्पित है। इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन है। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है,
जबकि दक्षिण की ओर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्धसिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। रथ विठाला मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी लंबे खंबे वाली दीवारें और पत्थर का रथ है। इन्हें संगीतमय खंबों के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराश कर इसमें मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। बड़ावलिंग यह मेरे यहाँ के सबसे बड़े लिंग का छाया चित्र है जो लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के बाजू में स्थित है। बड़ावलिंग चारों ओर से पानी से घिरा है क्योंकि इस मंदिर से ही नहर गुजरती है। मान्यता है कि मेरे यहाँ के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि यदि उसकी किस्मत चमक उठी तो वह शिवलिंग का निर्माण करवाएगा, और फिर उसी ने इसका निर्माण करवाया था। बड़ाव का मतलब गरीब ही होता है। लक्ष्मी नरसिंह अवतार मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर या उग्र नरसिम्हा मंदिर बड़े चट्टान पर बना है। यह हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह करीब 6.7 मीटर ऊंची है। नरसिम्हा आदि शीर्ष पर विराजमान है। असल में मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर बनी हुई है जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण के समय धूमिल हो गई। हजारा राम मंदिर यह एक खंडहर मंदिर है जिसे हिंदू धर्म शास्त्र में काफी महत्व दिया गया है। यह मंदिर 1000 से भी ज्यादा लकड़ी की खुदाई और शिलालेख और रामायण की प्राचीन कथा के लिए जाना जाता है। रानी का स्नानागार, मेरे यहाँ स्थित रानी का स्नानागार चारों ओर से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बालकनी है। कभी से स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता है जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ है। यह स्नानागार चारों ओर से घिरा और ऊपर से खुला है। कमल महल, कमल महल हजारा राम मंदिर के समीप है। यह महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। रानी के महल के आसपास रहने वाली राजकीय परिवारों की महिलाएं आमोद प्रमोद के लिए यहां आती हैं। महल के मेहराब बहुत आकर्षक हैं। रघुनाथ स्वामी मंदिर, माल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर प्राचीन भारतीय शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। माल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर जमीन से 3 किलोमीटर नीचे बना हुआ है जिसकी अंदरूनी दीवारों पर अजीब दिखावा किया गया है और मछली और समुद्री जीवों की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। हाउस ऑफ विक्ट्री, हाउस ऑफ विक्ट्री स्थान विजयनगर के शासकों का शासन था। इसे कृष्णदेवराय के सम्मान में बनाया गया था जिन्होंने युद्ध में ओडिशा के राजाओं को पराजित किया था। वे हाउस ऑफ विक्ट्री की विशाल सिंहासन पर बैठते थे और 9 दिवसीय दशहरा पर्व को यहां से देखते थे। हाथीघर, मेरा हाथीघर जिनान क्षेत्र से सटा हुआ है। यह एक गुंबदनुमा इमारत है। इसका इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चैम्बर में एक साथ 11 हाथी रह सकते थे। यह हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा भी मेरे कई और आकर्षण स्मारक हैं जिनमें पवित्र केंद्र, वैशालय स्ट्रीट, अच्युत राय के मंदिर, शशि विकुल गणेश, रॉयल केंद्र, ग्रेनारीज, हरिहर पैलेस वीरा, रिवर साइड खंडहर, करैल क्रॉसिंग, जज्जल मंडप, पुरंदरदास मंडप, ताल रिगट्टा गेट, अहमद खान मस्जिद और मकबरे, कमलपुर, पुरातत्व संग्रहालय, भीमा के गेटवे, गनीगित्ती मंदिर, गुम्बददार गेटवे, अनेगौंदी, विरूपपुर गढ़दे, हाकपा मंडप, पंपा सरोवर, माटुंगा हिल। मेरे हर पत्थर में कहानी बसी है। यहाँ 2 पत्थर त्रिकोण आकार में जुड़े हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर स्टोन्स कहा जाता है। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा प्रचलित है कि 2 ईर्ष्यालु बहनें मेरे यहाँ घूमने आई थी। यहाँ घूमने के बाद वो मेरी बुराई करने लगी। शहर की देवी ने जब यह सुना तो उनकी बातों पर उनको बड़ा क्रोध आया और उन दोनों बहनों को पत्थर में बदल दिया। मेरे यहाँ मंदिर में प्रसिद्ध संगीतमय पिलर बने हुए हैं। ब्रिटिश हमेशा से ही इस चमत्कार के पीछे के कारण को जानना चाहते थे और इसलिए उन्होंने यहाँ देखने के लिए पिलर के अंदर कुछ तो है नहीं, उन्होंने 2 पिलरों को तोड़ा भी था लेकिन पिलर में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। आपको मंदिर से लगा हुआ एक रोड दिखाई देगा। मंदिर से लगा हुआ जो रोड है वह एक समय में घोड़ों को बेचने का बाजार हुआ करता था, यानी खरीद और फरोख्त के लिए ये एक जगह हुआ करती थी। आज भी आपको खंडहर के रूप में बाजार दिखाई देता है। मंदिर में भी आपको घोड़े खरीदने और बेचने वाले कुछ लोगों के छायाचित्र दिखाई देते हैं। इस समय में मैं रोम से भी समृद्ध नगर था।
प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान में मेरे यहाँ मौजूद हैं। इस साम्राज्य की राजधानी के खंडहर संसार को ये घोषित करते हैं कि इसके गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की एक पृथक शैली का विकास किया था। मैं पत्थरों से घिरा शहर हूँ, मेरे यहाँ मंदिरों की सुंदर श्रृंखला है, इसलिए मुझे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आज मैं सरकार की नजरों में जमीन में कहीं दबा हुआ शहर घोषित होकर रह गया हूँ। ईएसआई द्वारा मेरी भूमि पर खुदाई करके मुझे ढूंढने की कोशिश की जाती रही है। मुझे दुख है कि मैं अपने भारत की सबसे बड़ी पुरातत्विक व प्राचीन धरोहर में से एक होने के बावजूद भी वीरान सा होकर रह गया हूँ। अन्य धरोहरों की भांति आपके बीच खासा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। इतना विशाल व प्रसिद्ध साम्राज्य होने के बावजूद खासकर उत्तर भारतीयों में मेरे बारे में जानने की इच्छा नाम मात्र ही है, या कोई मेरे बारे में जानता तक नहीं। परंतु आज भी आप जैसे इतिहास प्रेमियों के अनेक प्रयासों के कारण मैं अपनी ऐतिहासिक गाथा आपके समक्ष रख पा रहा हूँ। मेरे बारे में जानने की इच्छुक लाखों लोग हर वर्ष मुझे देखने आते हैं। उम्मीद है आप भी चल आएंगे। मैं आपके स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए तैयार बैठा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। बेंगलुरु से मेरी दूरी करीब 365 किलोमीटर और पुणे से 550 किलोमीटर है, तो आप बेंगलुरु और पुणे दोनों जगहों से आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। हॉस्पेट निकटतम शहर है। इस प्रकार मैं बेंगलोर और पुणे से एक शानदार सप्ताहांत गंतव्य के रूप में काम कर सकता हूं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो कर्नाटक का हुबली एयरपोर्ट मेरा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यहां से 166 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु। ये नियमित फ्लाइट्स हुबली आती है। यहाँ आप कैब या बस ले सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पेट जंक्शन है, जो हम्पी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पेट देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग के माध्यम से जुड़ा है, और बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा से कई नियमित ट्रेनें आती हैं। यहां से आप वाहन लेकर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो कर्नाटक के सभी प्रमुख शहरों में से बस सर्विस के जरिए मैं जुड़ा हुआ हूं। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के अलावा कई प्राइवेट और टूरिस्ट बसें भी नजदीकी शहरों से मुझ तक आने के लिए चलती हैं। मुझे मेरे विशाल परिदृश्य एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में 1986 में ही शामिल कर लिया था, और मुझे भारत सरकार द्वारा मेरे राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा 1976 ईस्वी में मिल गया था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मैं जरूर देखे जाने वाले स्मारकों में से दूसरे स्थान पर संपूर्ण विश्व में बन चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे इतिहास के बारे में बताने में सक्षम रहा हूंगा, और आपको भी पता चला होगा कि कभी हमारे भारत देश में भी ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जिसको किस तरह विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।